हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आज ट्यूसडे के दिन का इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल वेडनेसडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी मैंने निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और आज एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, और अगर उसके बाद अगर अपन देखें तो शुरू के टाइम हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, उसके बाद पूरे दिन सिर्फ साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलता। कुल मिला के अगर अपन एक यहाँ पे पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि आज के दिन पूरे सिर्फ इस चैनल के अंदर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है निफ्टी, जिसमें कि ये साइडवेज मोमेंटम होने के कारण सिर्फ अपन को प्रीमियम डिके ही देखने को मिला है, और ये जो ऊपर का मोमेंटम अपन को स्लो मोमेंटम देखने को मिला है इसमें ज़्यादातर हमें प्रीमियम डिके ही देखने को मिला है, और ऐसे मोमेंटम में सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का ही हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बायर्स में सिर्फ प्रीमियम डिके के कारण कोई भी हमें मोमेंटम अपसाइड में देखने को नहीं मिली निफ्टी में आज ट्यूसडे के दिन, और लास्ट में हमें क्लोजिंग निफ्टी के अराउंड 21,940 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल अपन को देखने को मिला है वो मिल रहा है अभी ऑल टाइम हाई, जो कि है 22,126 का लेवल। इस लेवल के नीचे जब भी हमें निफ्टी जाते हुए देखने को मिलेगा तो एक हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। जब भी डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी उस तरफ एक अपन को अच्छी मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकती है। जैसे ही ऑल टाइम हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 22,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक का देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो अगर ये वाला स्विंग लो लेवल ब्रेकडाउन होगा जो कि है 21,660 के आसपास का लेवल, तभी एक हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,450 और इसके नीचे फिर सीधे अपन को 21,140 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और इस बीच में अपन को थोड़ा सा साइडवेज से वॉलेटिलिटी भरा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसा कि आज हमें आज और कल का मोमेंटम देखने को मिला है निफ्टी में। तो इस रेंज में अपन को थोड़ा सा वॉलेटाइल भरा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहां तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और वहां डिस्कस करेंगे कल वेडनेसडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मोमेंट अपन को कहां देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करेगा जो कि अराउंड 21,960 के लेवल, तो एक हमें इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए क्योंकि यहां पे अपन को बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एक हमें 2 फरवरी के दिन भी यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उसके बाद 5 फरवरी के दिन भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, और आज भी हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली वो इस लेवल के आसपास ही देखने को मिली है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो सीधे अपना फर्स्ट टारगेट पहले 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है, और उसके बाद सीधे ऑल टाइम हाई तक का हमें वन वे मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि है 22,126, और अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 22,200 तक के देखने को मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 21,960 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड की अपन को मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जो कि है 21,970 का लेवल। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,726 का लेवल, और अगर ये भी ब्रेकडाउन होता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 21,660 का देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन होता है तो जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर 21,590 का, और जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 21,531 का लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 21,790 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो। अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाले हैं तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आज का हमें ये वाला मोमेंटम देखने को मिला है। तो ऐसे मोमेंटम में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 21,963 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि 21,790 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अपन को ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली, अगर अपन ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमें निफ्टी सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे साथ साथ इस लेवल का भी पहले ब्रेकडाउन हो जो कि 21,790 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मोमेंटम करता है तो। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टैलेंट्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें।
और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।